सो गाइस एलविस यादव ने एक बार फिर से अपने ब्लॉग वीडियो में उसी बंदे को लेकर बात किया जिस बंदे ने गाइस एलविस यादव के फ्रेंड के कार का शीशा तोड़ा था। और एलविस यादव ने गाइस यहां पर अनुप भाई से पूछा कि अगर आपके सामने वो बंदा आ जाए जिन्होंने कि आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा है तो आपका क्या कुछ रिएक्शन होगा और आप उस बंदे को क्या कुछ बोलोगे। जिसके बाद गाइस अनुप भाई ने जो कहा ना वो आपको जरूर से सुनना चाहिए। एलविस यादव ने गाइस यहां पर ये भी कह दिया है कि भाई उस बंदे ने एलविस यादव की गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए आया था, लेकिन गाइस उस बंदे को शायद ये बात पता नहीं थी कि एलविस यादव कौन सी कार में घूमते हैं, एलविस का पर्सनली गाड़ी कौन सा है, इसलिए उन्होंने एलविस यादव के दोस्त के गाड़ी का शीशा तोड़ के भाग गया। एक बात बताओ, अगर वे बंदे आपके सामने आ जाएं तो आप क्या करोगे? जेन्युइन बताना भाई। भाई रियल बताऊं, मम्मी कसम खा के। चल हाँ ठीक है भाई, सबसे पहला मैं उनसे पूछूंगा कि भाई क्या मजबूरी थी तुम्हारी, मतलब क्या ऐसी क्या मजबूरी होगी कि मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा। भाई सूत्रों से पता लगी है मुझे कि वे कटारे का शीशा फोड़ने आए थे। और भाई कटारिया की आठ बन को मैं, और कटारिया की ना आगे खड़ी थी, वे नु कह रहे हम तो पत्थर फेंका लगा है इतनी दूर दूर पीछे वाली पे लग गई, पीछे वाली उनसे तो गलती तो लगी है भाई, कटारे फोड़ना आए थे। हाँ भाई, लेकिन कटारिया को भी क्यों ही फोड़ना है भाई, नहीं गलत बात है।